लोकसभा चुनाव 2019 के लिए शंखनाद हो चुका है। चुनाव आयोग ने रविवार को तारीखों का ऐलान कर सभी पार्टियों को कमर कसने की हिदायत दे दी है। इस बार चुनाव 7 चरणों में होंगे, जिसके लिए चुनाव आयोग ने भी तैयारियां कर ली हैं। अगले महीने शुरू होने वाले लोकसभा चुनाव खर्च के मामले में सबसे महंगा होने जा रहा है। इसका बजट अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव से भी कहीं ज्यादा होने वाला है। अमेरिका के एक चुनाव विशेषज्ञ ने इस बात का खुलासा किया है कि भारत में होने वाला आम चुनाव भारत के इतिहास में और किसी भी लोकतांत्रिक देश के सबसे खर्चीले चुनावों में से एक होगा। कार्नीज एंडोनमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस थिंक टैंक में सीनियर फेलो और दक्षिण एशिया कार्यक्रम के निदेशक मिलन वैष्णव ने बताया कि 2016 में हुए अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव और कांग्रेस चुनाव में 46,211 करोड़ रुपए का खर्च आया था। अगर भारत में 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में 35,547 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, तो 2019 के चुनाव में यह आंकड़ा आसानी से पार हो सकता है। आगामी लोकसभा चुनाव में 71,100 करोड़ रुपए के खर्च होने का अनुमान लगाया जा रहा है। ऐसा हुआ तो यह दुनिया का सबसे खर्चीला चुनाव साबित होगा। चुनावी खर्चे पर सेंटर फॉर मीडिया स्टडी के अनुसार 1996 में लोकसभा चुनावों में 2500 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। साल 2009 में ये रकम बढ़कर 10,000 करोड़ रुपए हो गई थी। इसमें वोटरों को गैर कानूनी तरीके से दिया गया कैश भी शामिल है। सभी दलों ने चुनाव प्रचार के लिए कमर कसना शुरू कर दी है। सत्ता पक्ष का फोकस दोबारा से वापसी करने का है। वहीं विपक्षी दलों के प्रत्याशी भी केंद्र सरकार को घेरते हुए अपने प्रचार का ताना बाना बुन रहे हैं। इस बार चुनाव आयोग की नजर टीवी, अखबार और रेडियो के अलावा सोशल मीडिया पर रहेगी, जिसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव में मतदाताओं की सहूलियत का खासा ध्यान रखा गया है। कई ऐसी बातें हैं जो इस चुनाव में पहली बार होंगी। इस बार मतदाता 1950 पर डायल कर हर तरह की जानकारी ले सकेंगे। ईवीएम में चुनाव चिन्ह की जगह प्रत्याशी की तस्वीर लगी होगी। ईवीएम की जीपीएस सिस्टम से ट्रैकिंग की जाएगी और प्रचार में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली सामग्री पर रोक लगाई गई है। देखते और पढ़ते रहिए अमर उजाला .com।